सवाल आया है राजस्थान से प्रकाश जी का, और इनका सवाल है जियो फाइनेंशियल्स पर। अभी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 50 शेयर्स इन्होंने 242 पे रुके लिए हुए हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो रिटेल निवेशक है उनका सवाल इस कंपनी पर आ रहा है। जियो फाइनेंशियल्स आज 2% नीचे है, बट विवेक क्या लग रहा है आपको, इसके फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? 242 पर इन्होंने लिया हुआ था, 245 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है, लेकिन अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो फिर ये कंपनी कैसी लग रही है आपको? विवेक आपसे रिक्वेस्ट होगी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो देखिए, पूजा ये बोल रहा था कि अभी तो फिलहाल कोई खास फंडामेंटल्स है नहीं कंपनी में, क्योंकि ये कारोबार यहाँ से अब शुरुआत करेगी। लेकिन ये एक सोच है कि हाँ, जब ये चालू करेगी तो इनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। इनफैक्ट जियो मोबाइल का भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, उसको ये टैप करके कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है लॉन्गर टर्म में। तो ये 2-4 दिन पहले, मतलब कई दिनों से 255 की रेंज में चल रहा था। तो अगर किसी को बेचना हो तो उसके उस लेवल के नीचे तो बेचना है, करीबन 253-255 आता, तो उस वक्त आप प्रॉफिट बुक करो आपको अगर करना है तो। लेकिन आपने जैसे कहा, लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स आप देखो तो अगले 1 या 2 साल के लिए आप लेते हो तो मुझे लग रहा है कि ये 350 तक भी जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आप अगर देखो, और मैं तो कंपेयर करूंगा बजाज फाइनेंस से, बजाज फाइनेंस के मुकाबले ये 128 वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ से 350 पॉसिबिलिटी है क्या? आराम से पॉसिबिलिटी है अगले 1-1.5 साल में, जैसे जैसे कंपनी के बिजनेस प्लान आप बाहर आएंगे, स्टॉक में मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो रेंज जो है कुछ दिनों का 255, उसके नीचे बेचना नहीं है। और अगर आपको एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो आप 300-350 का टारगेट भी लगा के रख सकते हैं। पैसे बनेंगे जियो फाइनेंशियल में, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। 300-350 तक ये शेयर जाएगा, लेकिन आप इसको होल्ड करके आराम से धैर्य के साथ इस शेयर में बने रहें।